दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, तो हम बात कर लेते हैं पीएन डायोड की। देखो, पीएन जंक्शन डायोड के हम ट्रांजिस्टर की क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बट एक क्वेश्चन दे रहा है लास्ट जो डायोड का भी हम देख लेते हैं एक बार। जो बेटा डायोड क्या है, एक नॉन लीनियर डिवाइस है। क्यों? क्योंकि देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, अपन को एक मिनिमम कट इन वोल्टेज चाहिए। तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है इसका? 0.7 से। इसलिए क्या होता है बेटा, नॉन लीनियर है। और जीरो से ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता तो लीनियर होता। तो यहाँ पे एक नॉन लीनियर डिवाइस है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा, हाँ, रैखिक युक्ति है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रांजिस्टर में। देखो बेटा, ट्रांजिस्टर में क्या क्या होते हैं। देखो ट्रांजिस्टर की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम। हाँ देखो, ट्रांजिस्टर की बात कर लेते हैं। ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में कितनी जंक्शन होते हैं। जो ये पूछना चाह रहा है उसका जवाब देना है हमें। ये पूछ रहा है एक ट्रांजिस्टर में पीएन संधि तथा एक और से प्रत होती है, मतलब कितनी डिपल्शन लेयर तथा कितने जंक्शन होते हैं। देखो यहाँ पे ये हो गया अमीटर, ये हो गया बेस और ये हो गया कलेक्टर। अमीटर, बेस और कलेक्टर। देखो एक जंक्शन यहाँ पे बनेगा जिसको हम बोलते हैं अमीटर जंक्शन, और एक जंक्शन यहाँ पे, एक डिपल्शन लेयर बनेगी यहाँ पे, जो जंक्शन बनेगा इसको बोलते हैं कलेक्टर जंक्शन। तो कितने जंक्शन हो गए? दो जंक्शन, अमीटर एंड कलेक्टर जंक्शन। और कितनी डिपल्शन लेयर हो गई? दो। देखो दो संधि और दो अवशय प्राप्त होती है, दो डिपल्शन लेयर होगी और दो ही जंक्शन होंगे इसमें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे। एक ट्रांजिस्टर के प्रचलन के लिए आवश्यक है, देखो बेटा क्या क्या आवश्यक है। देखो हमारे पास ट्रांजिस्टर में तीन रीजन होते हैं। देखो बेटा कौन कौन से होते हैं, दो जंक्शन होते हैं हमारे पास ट्रांजिस्टर में, बताया आपको, एमिटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन, जेई और जेसी। अब देखो एक्टिव रीजन की बात करते हैं, तो एक्टिव रीजन में क्या होना चाहिए, दो जेई जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए। सेचुरेशन रीजन में दोनों ही फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। और कट ऑफ रीजन में दोनों ही रिवर्स बायस होना चाहिए। तो ये पूछ रहा है बेटा कि ट्रांजिस्टर प्रचलन के लिए आवश्यक है, मतलब एक्टिव रीजन के लिए पूछ रहा है ये। तो क्या होना चाहिए, अमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस। तो ये आएगा इसमें, आगे समझ में। अब इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते, ट्रांजिस्टर में ये पूछ रहा है कि एक ट्रांजिस्टर में, बीसवा देखो, एक ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक आई आई बी तथा धारा आई सी में क्या संबंध होता है। देखो सबसे पहले हम बात कर ले क्या संबंध होता है। आई ई इक्वल टू क्या होता है बेटा, देखो अमीटर, देखो हमारे पास ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल होते हैं, अमीटर फर्स्ट, सेकंड है बेस और थर्ड है कलेक्टर। देखो अमीटर का फंक्शन क्या होता है, जो भी अमीटर की डोपिंग क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। क्यों? क्योंकि ये मेजोरिटी कैरियर सप्लाई करता है अमीटर, बेस और कलेक्टर को, इसलिए अमीटर की डोपिंग हमेशा क्या होनी चाहिए, हाईली डोपेड मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि ये मेजोरिटी कैरियर इमिट करता है। बेस क्या करता है, बेस प्रोवाइड करता है अमीटर से जो चार्ज कैरियर आएंगे, वो बेस से होते हुए किस में पहुँचेंगे, कलेक्टर में। तो बेस में क्या है बेटा, जो अमीटर से आएंगे जो भी चार्ज कैरियर आएंगे उनके साथ रिकॉम्बिनेशन होगा बेस में, तो इसलिए बेस की डोपिंग क्या होनी चाहिए, मिनिमम, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज कैरियर कहाँ से पहुँच सके, अमीटर से कलेक्टर पर। तो यहाँ पे बेटा क्या करते हैं, हम बेस की डोपिंग बहुत ही कम रखेंगे ताकि यहाँ पे मिनिमम रिकॉम्बिनेशन हो। इसके बाद जो बचे रिकॉम्बिनेशन के बाद, वो सारे कहाँ पे पहुँच जाएंगे, कलेक्टर पे। तो बेटा कलेक्टर पे ये बहुत हाई स्पीड से आएंगे, तो यहाँ पे हीट उत्पन्न होगी, इसलिए कलेक्टर का एरिया हम क्या रखेंगे, लार्ज एरिया। तो बेटा देखो टोटल चार्ज कैरियर कहाँ से आए, अमीटर से, तो इसलिए इसका मतलब क्या हो गया, आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी हो गया। बट यहाँ पे चीज़ याद रखना है कि सबसे ज़्यादा डोपिंग किसकी होनी चाहिए, अमीटर की, सबसे कम डोपिंग किसकी होनी चाहिए, बेस की, और कलेक्टर क्या होना चाहिए, एरिया लार्ज होना चाहिए। तो आपको समझ में आया होगा,
आ गया होगा कि आई ई इक्वल टू क्या होता है, आई बी प्लस आई सी। इसमें आंसर क्या जाएगा, तो आई ई इक्वल टू क्या हो गया, आई बी प्लस आई सी। हम देखो यहाँ पे तो आई सी इक्वल टू क्या हो गया, आई ई माइनस आई बी। ठीक है, इसके बाद एक ट्रांजिस्टर है, एक ट्रांजिस्टर क्या है बेटा, इसमें क्या होता है अल्फा आई सी अपॉन आई, क्या होगा इसका मतलब इनपुट भी करंट है और आउटपुट भी करंट है, मतलब एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 22। ये पूछ रहा है कि बेटा अल्फा और बीटा में क्या सही संबंध है। देखो अल्फा इक्वल टू हम क्या जानते हैं बेटा, अल्फा इक्वल टू बीटा अपॉन वन प्लस बीटा, ये तो हमें पता ही होता है, यहाँ तक पता है अपन को। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अल्फा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे बीटा। तो बेटा अल्फा इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो यहाँ पे बीटा कॉमन ले लेते हैं, बीटा कॉमन ले लिया तो क्या हो गया वन माइनस अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, बीटा वन माइनस अल्फा। तो इसमें आंसर क्या आ गया है। इसके बाद देखो अपन क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछ रहा है, इनकी निम्न में से कौन सा स्टैंडर्ड को अब द्रव्य मतलब इम्प्योरिटी, जिसमें इम्प्योरिटी मिलती है सेमी कंडक्टर में, वो एक्सट्रिंसिक कहलाते हैं। बिल्कुल सही बात है, होल व इलेक्ट्रॉन दोनों आवेशवाहक वाहक है, ये भी सही बात है। पी प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक, देखो पी टाइप में क्या होते हैं मेजोरिटी कैरियर अल्पसंख्यक। दोनों होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल, क्योंकि मैग्नेटिक कैरियर करंट भी फ्लो होता है पी प्रकार की, ये वाली लाइन सही है। मैं क्या बोला, पी प्रकार के अर्धचालकों में अल्पसंख्यक मतलब मैग्नेटिक कैरियर नहीं होते हैं बेटा, पी प्रकार के में होल क्या होते हैं मेजोरिटी कैरियर होते हैं। कौन सा हो गया, गलत हो गया हमारा। देखो पी में कौन से होंगे मेजोरिटी कैरियर, होल होंगे, और एन में इलेक्ट्रॉन होंगे। चलो यहाँ पे बात हुई,